हेलो यूट्यूब गुड मॉर्निंग नमस्कार सत्याकाल आदावर्जे दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल एसके हैंडीक्राफ्ट में एसके हैंडीक्राफ्ट वेलकम्स टू द ऑल द व्यूअर्स यार वाचिंग माई चैनल एंड दोनल प्लीज सब्सक्राइब फॉरगेट टू प्रेस द बेलन ऑल्सो दोस्तों बेल आइकन प्रेस करना इसलिए जरूरी होता है जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप हमारा कोई भी वीडियो देखने से स्किप ना कर पाए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जैसे कि आप जानते हैं शहर सहारनपुर है सहारनपुर अपने वुड एन हेंडीक्राफ्ट के लिए काफी फेमस है और आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो है फाइव सीटर सोफा सेट एज ए कैटलॉग मॉडल जो दोस्तों कैटलॉग का मॉडल जो हमने तैयार किया गया है एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर बहुत ही किस्म का प्रोडक्ट है ये बना है टिकवुड में बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं कि सहारनपुर में टिकवुड का और शीशम वुड का दो वुड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है आ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आ, एज पर चॉइस जो आप चाहें आ, टिक वुड से और या फिर शीशम वुड से वट एवर इट में भी जो जिस वुड से भी आप चाहें उस वुड से आप अपने लिए प्रोडक्ट तैयार करवा सकते हैं आज जो प्रोडक्ट हम दिखा रहे हैं ये बना है टिक वुड से और इसमें जो वर्कमेनशिप की गई है बहुत एलिगेंट वर्क किया गया है स्पेशली इन लेग्स लेग्स के ऊपर जो वर्कमेनशिप की गई है बहुत ही उमदा किस्म की वर्कमेनशिप की गई है द आर्टिजन हैज़ डन वेरी ब्यूटीफुल वर्क ऑन द लेग्स एज वेल एज बैक साइड ऑल्सो इसमें एक बहुत ही प्यारा यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया है लाइट कार्विंग के साथ और मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स ये एक फाइव सीटर सोफा सेट है जिसमें एक थ्री सीटर प्लस टू सिंगल सीटर यानी कि एक थ्री सीटर है और दो सिंगल सिंगल चेयरस हैं स्टार्ट करते हैं दोस्तों दोस्तों जो इसकी लेंथ है वो इन साइड अप्रॉक्सीमेटली सिक्सटी सिक्स इंचिस टू सिक्सटी सेवन इंचिस है लेंथ इसकी और अगर हम आउटसाइड से आउटसाइड करते हैं तो एक हैंडल जो है फ्रेंड्स हमारा अप्रॉक्सीमेटली सिक्स इंचेस टू सेवन इंचेस का आ, होता है तो दोनों हैंडल्स को अगर हम ज्वाइंट करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली ये 12 इंचेस टू फोर्टीन इंचेस हो जाता है तो अगर हम बात करते हैं तो 66 प्लस टेल्व तो सेवेंटी एट इंचज के आसपास ये पहुंच जाता है अप्रोक्सीमेटली यानी कि इसका जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली सिक्स एंड हाफ़ टू लेस देन सेवन फिट यानी कि सिक्स एंड हाफ से लेके सेवन फिट के बीच में इसकी जो साइज़ है वो होता है और हम इसकी अगर आ, थ्री सीटर की ये तो थ्री सीटर का डायमेंशन था हम अगर इसके सिंगल सीटर की बात करते हैं तो सिंगल सीटर जो है इन साइड में ट्वेंटी टू का होता है एंड आउट साइड टू आउट साइड जो है फ्रेंड्स वो अप्रॉक्सीमेटली थ्री फिट एंड फोर इंचिस तक इसकी जो आ, साइज है वो बन जाता है तो दोस्तों डे, डेप्थ जो होती है इसकी वो अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी फोर इंचिस की होती है गहराई में काफ़ी अंदर तक होता है ये क्योंकि काफ़ी हैवी सोफ़ा सेट बना होता है बैक काफ़ी इसकी हैवी होती है लेकिन इसकी जो पूरी डेप्थ अगर आप देखें बैक टू फ्रंट तो ये अप्रॉक्सीमेटली थर्टी इंचिस टू थर्टी टू इंचिस का बना हुआ होता है एंड आप वर्कमैनशिप भी देख सकते हैं आ, एलिगेंट वर्क इसके ऊपर किया गया है दोस्तों जो वर्कमैनशिप है उसकी जो आप क्वालिटी देखेंगे बहुत ही अच्छी और बहुत ही उमदा किस्म की क्वालिटी से वर्क किया गया है दोस्तों और इसके अंदर काफी आ, मेहनत के साथ काम किया जाता है इसमें जो फॉर्म यूज की जाती है वो फिफ्टी डेंसिटी का क्वेश्चन यूज किया जाता है सिटिंग पोर्शन पे एंड प्लाई बोर्ड ट्वेल्व एम mm का प्लाई बोर्ड यूज किया जाता है उसके ऊपर फ्रेंड्स ये और uh, फॉर्म uh, को यूज़ किया जाता है आपने मेरी कुछ पिछले वीडियोस में भी देखा होगा मैंने आपको दिखाया है रेगुलरली मैं आपको दिखाता हूँ कि uh, फर्नीचर्स के मैन्युफैक्चरिंग टाइम के ऊपर कि किस तरीके से हम इसके अंदर फॉर्म को यूज़ किया करते हैं आप uh, पहले एक लेयर इसके ऊपर कॉयर की भी लगाई जाती है जिसे आप नारियल कहते हैं उसकी लेयर लगाने के बाद उसके ऊपर फॉर्म फोर इंचिस और टू फाइव इंचिस की फॉर्म इसके ऊपर फिफ्टी डेंसिटी की यूज़ की जाती है और उसके ऊपर जो है फैब्रिक यूज़ किया जाता है आ, ये एक प्रोसीज़र होता है दोस्तों आ, इसमें आ, किस तरीके से आप काम कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्लाई बोर्ड यूज़ करवाना चाहते हैं और या फिर आप स्प्रिंग सिस्टम के साथ जाना चाहते हैं इट्स योर चॉइस बेसिकली हम दोनों ही स्टाइल के अंदर मैनुफैक्चरिंग करते हैं सो फ्रेंड्स so जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही उमदा किस्म का तैयार किया जाता है इसके अलावा भी दोस्तों शीशम वुड एंड टिक वुड दोनों ही आ, बेस्ट वुड माने गए हैं आपकी चॉइस के हिसाब से हम इसकी तैयारी करते हैं दोस्तों जैसा है भी कस्टमर के रिक्वायरमेंट होता है एज़ पर रिक्वायरमेंट कि उन्हें टिक वुड में चाहिए या आ, शीशम वुड में चाहिए वो यूज़ किया जाता है दोनों ही बेस्ट क्वालिटी के वुड बने गए हैं एज वी नो सहारनपुर में जितना भी वर्क किया जाता है फ्रेंड्स पूरा हाथ से किया जाता है वर्कमैनशिप टोटल इज़ डन बाय हैंड ओनली। अच्छा फैब्रिक जो है वो भी आपकी चॉइस की रहेगी फ्रेंड्स जैसा फैब्रिक आप चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा आ, आपकी चॉइस के हिसाब से ऑल द वर्क इज़ डन बाय हैंड सारा का सारा काम अच्छा और बढ़िया किया जाता है आप देख सकते हैं आ, फिनिशिंग वर्क आप देख सकते हैं आ, ये भी चॉइस आपकी रहती है कि आपको नेचुरल पॉलिश करानी है गोल्डन कराना है या एनी अदर स्पेसिफाइज कलर कोई अलग आ, कलर में चाहते हैं सो वी आर स्टैंडिंग टू डू दैट ऑल्सो हम उसके लिए भी आप लोगों के आ, दिल की जो भी चॉइस के हिसाब से पॉलिशिंग फिनिशिंग फैब्रिक जो भी आप चाहते हैं वो हम डेफिनेटली करके देंगे दोस्तों सो इन माई ओपिनियन आ, दोस्तों फ़र्नीचर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके घर की आ, जो लुक है उसको कंप्लीट लुक को चेंज कर देता है और ये एक लाइफ पार्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है क्योंकि हमें इसे आ, एक दिन दो दिन के लिए यूज़ नहीं करना होता है हमें इसे आ, काफ़ी सालों के लिए यूज़ करना होता है तो हमारी आँखों को जो सुंदर लगता है जो अच्छा लगता है आ, वी विल गो फॉर दैट ओनली हमें उसी फर्नीचर के लिए जाना चाहिए और अपने घर को सजाने के लिए जितना अच्छे से अच्छा आप चाहते हैं हम उतना बेस्ट आपको तैयार करके देंगे फ्रेंड्स ये एक आ, लुकिंग का मैटर नहीं साथ इसमें कम्फर्टनेस का भी एक पॉइंट आता है कि लुकिंग के साथ साथ इसमें एक कंफर्टनेस भी होना चाहिए कि व्हेन यू आर गोइंग टू सिट ऑन द सोफा सेट यू विल फील आर रिलैक्स आल्सो क्योंकि सोफा सेट पे बंदा आके बैठता है तो उसे थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए कि उसको लगे कि दैट ही सिटिंग ऑन द वन ऑफ द बेस्ट सोफा सेट सो उस चीज़ का भी ध्यान रख के काम किया जाता है जिससे कि आगे इन फ्यूचर इसकी लाइफ भी बनी रहे इसकी लुकिंग भी बनी रहे एंड इसके साथ साथ इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है उसके ऊपर भी कोई फर्क ना पड़े तो उस सब चीज़ों को देख करके ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू इसमें जो सेंटर टेबल आप देख रहे हैं ये भी टीक वुड का ही यूज़ किया गया है आप देख सकते हैं और इसके ऊपर आप पॉलिश uh, वर्क किया जा रहा है गोल्डन वर्क किस पे किया जा रहा है आफ्टर गोल्डन पॉलिश इसको एंटीक लुक में चेंज किया जाएगा एंड आफ्टर एंटीक नाउ यू कैन सी हाउ लुक लाइक अब ये एंटीक लुक में तैयार हो चुकी है पीस आप देख सकते हैं इसका लुक जो है एंटायर लुक बीन चेंज ये पूरा का पूरा जो लुक है वो चेंज हो चुका है टेबल का भी आफ्टर पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग एंड इसके टॉप के ऊपर फ्रेंड्स गिलास रखा जाएगा वो आपकी एज पर चॉइस ब्राउन वाइट प्लेन ग्लास वट एवर यू वॉन्ट टेंटेड ग्लास कुछ भी आप चाहें तो वो आप रख सकते हैं मार्केट uh, के अंदर ग्लास इजीली अवेलेबल है सो so फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा थैंक यू दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू और नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे आपसे तब तक के लिए सेफ़ रहिए सुरक्षित रहिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स